तो भाई पिछली वाली वीडियो में हमने लखवाए में सारे तख्ते फट्टे पलट दिए थे और भाई वहाँ के राजाओं के साथ में अलायंस बना लिया था। और वहाँ का जो मेन राजा है, जो सबसे बड़ा है, उसने भाई हमारे अपना लोंडा भी दिया था कि तुम इसे ले जाओ अपने साथ, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर खतरा हो सकता है। क्योंकि पुराने वाले राजा किसी जायलोग जायलोग की धमकी दे गया था, हो सकता है उन्होंने हमारे पर हमला भी करा, जो हमारे बेस पे आके हमला हुआ था बाद में, उसके बारे में हम श्योर नहीं है। लेकिन हाँ, फिर उनसे लड़ लुड़ा के, उन्हें ठोक पीट के, फिर भाई हम चले गए थे लंदन की तरफ अपना अगला अलायंस बनाने। अभी हम लंदन में हैं, आगे चल के देखते हैं क्या सीन है। तो भाई अभी हम लंदन में आए थे, हमारी एक लोंडे से बात हुई थी, उससे हम पूछे थे कि यहाँ पे क्या हिसाब किताब है, किसका चलता है। तो भाई यहाँ पे गवर्नर का राज चलता है अभी, एलिजाबेथ जी जी। वैसे तो वो सृष्टि के आरंभ से है, लेकिन हो सकता है कभी छुट्टी उड़ती हुई गई हुई हो इस टाइम पे महारानी एलिजाबेथ। खैर, इसने बताया हमें कि यहाँ पे गवर्नर का राज चलता है और ये गवर्नर को काफ़ी सही तरीके से जानता भी है, तो हमारे गवर्नर से बातचीत करा देगा। ये यहाँ पे मतलब जो लोग हैं आम आदमी, उनसे बातचीत करा था, उनके मतलब एक तरह से मदद कर रहा था। उन्होंने भाई क्या करा, इससे लड़ना शुरू कर दिया। हमने उन्हें अलग कराते हुए कहा कि भाई अभी हमारी बातचीत चल रही है तो तुम इससे मत लड़ो। तो भाई वो हमारे से भी लड़ने लग गए। फिर भाई अभी हमारी लड़ाई बची किन से, हाथों से। और भाई फिर हमने इन्हें पेल पाल दिया। तो भाई पहले तो हमने एक दूसरे की तारीफ करी कि हाँ तुम बहुत अच्छे से लड़ते हो, तुम बहुत अच्छे से लड़ते हो। और फिर ये हमारे से मान गया राय के साथ में मिलवाने को, मतलब जो गवर्नर है, और इसका नाम है स्टोव, जो स्टोव है ना गैस से जलाने वाला है शायद, वो पता नहीं, लेकिन हाँ इसका नाम भी स्टोव है। और ये कह रहा है मतलब इसमें कुछ खास टेंशन वेंशन की बात नहीं है, किसी का राज्य वाज्य हड़पना हो या कुछ करना हो, सीधा साधा जाओ गवर्नर से बात करो और भाई उससे अलायंस बन जाएगा, सब कुछ सेटल है इनके यहाँ पे। और ये तैयारी हो गई एकदम से गवर्नर से मिलवाने को हमें। तो चलते हैं इसके पीछे और मिलते हैं गवर्नर से। कह रहा है कि तुम्हारे साथ हमारा काफी अच्छा अलायंस बन सकता है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ काफी अच्छा ही होता है। तो भाई हम यहाँ पे आए थे और जैसे ही हम यहाँ पहुंचे, यहाँ कतई तबाही से मची पड़ी थी। मतलब यार बाहर से जैसे हम आए थे तो भाई बंदे बंदे एकदम पड़े हुए थे बिछे हुए सारे में, और काफ़ी टेंशन सी का माहौल था यहाँ पे। तो भाई हम अंदर आए तो हमने देखा कि जो यहाँ का गवर्नर था, जिसे हम मिलने आए थे, अलायंस बनाने आए थे जिसके साथ में, उसकी बॉडी कुछ इस तरह से थी भाई साहब। उसके तीर भी लगे पड़े थे सारे में, और भाई मुंडी उड़ी हुई थी। तो भाई जो मतलब यहाँ का दूसरा बंदा है, ये भी एक मेन बंदा है जिससे हमारी बात हुई थी स्टोव से, और एक और मेन बंदा है यहाँ का, वो है एर्क, ERKE, एर्क है, पता नहीं कैसा नाम है उसका, लेकिन हाँ एर्क जो है वो भी यहाँ का एक मेन बंदा है। तो भाई उसे तो हमारे पर ही शक था कहीं हमने तो कांड नहीं कर दिया, लेकिन भाई हमने बताया कि हम तो यहाँ राजा से मतलब आराम से मतलब बातचीत वगैरह करने आए थे अलायंस बनाने के लिए, हम ये कांड क्यों करेंगे। तो खैर अभी हम तीनों ही लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या हुआ होगा, कैसा हुआ होगा, ये क्या है। पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम जब देखेंगे क्या सीन था, ये कांड किसने करा। तो भाई हमने यहाँ पे सारी सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली कि भाई क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा राय का कत्ल, और भाई जो मतलब निकल के सामने आया ना वो मैं तुम्हें बताऊँ क्या क्या हुआ था। तो भाई हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से सबसे पहले यहाँ पे तीन बंदे आए, तो यहाँ पे क्या था, जो गवर्नर था वो भाई गवर्नर का एक मतलब ऐसे ही नॉर्मल सा सैनिक था गवर्नर के साथ में। तो भाई एक बंदे तो गवर्नर में तीर तीर बजा दिए, दूसरा बंदा भाई उसकी जो मोहर होती है गवर्नर की, उसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है, तो भाई वो मोहर लेके भाग रहा था। लेकिन उसे क्या करा, जो वहाँ पे एक और सैनिक था उसने पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन भाई तीसरे बंदे ने उसे मारा जो एक सैनिक था वहाँ पे, और भाई दूसरे वाले बंदे को छुड़वा लिया। और भाई जब तक पहले वाले बंदे ने क्या करा, उसका सिर उड़ा दिया का, और भाई इसकी आँख वाँख निकाल दी। और भाई ये एक चीज़ का सिंबॉलिक था, एक हेडलेस किंग और आईलेस गॉड का, ऐसा कि ईवन ने कहा है। और भाई इसके बाद में फिर क्या कहते हैं, वो तीनों आराम से उसे लटका के सैनिक को, और भाई यहाँ से चले गए शांतिपूर्वक। और भाई वो बिल्कुल फियरलेस थे, उन्हें ये नहीं था कि हाँ मतलब कुछ हमारे उखड़ सके, उन्हें था कि कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, मैं कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। और भाई हमें उनका कुछ खास पता होता तो नहीं लगा। खैर वो एक लेटर भी छोड़ के गए थे, उसमें तीन बंदों की बात थी, तीन किलर्स की, एक था कंपास, एक था भाई लीच, और एक था एरो का। लेकिन हमें कोई मैथिलिक टेम्पल है उसके बारे में पता लगा है। मैथिलिक टेम्पल कोई ऐसा टेम्पल वगैरह नहीं है, वो कोई लव्ड वंस ऑफ गॉड हैं, मतलब ये खुद को बोलते हैं ऐसा, उनका मतलब जहाँ तक है ओड ऑफ द एंशिएंट्स ही है। तो भाई उनका एक टेम्पल है वहाँ की, एक कोई हमें मुद्रा सी मिली है, कोई सील टाइप, तो वो उसका हम पीछा करके उस मैथिलिक टेम्पल को ढूंढने जा रहे हैं, और फिर पता लगाते हैं उनके बारे में। हमारे पास एक उनसे रिलेटेड यही क्लू है। तो भाई अभी हम उस टेम्पल में से आए हैं, और वो कोई ऐसा टेम्पल वगैरह नहीं था जैसा कि उन्होंने कहा था, ओड ऑफ द एंशिएंट्स का एक तरह से बेसमेंट में हेड ऑफिस टाइप मान लो, वहाँ पे मतलब कुछ पेपर वर्क वगैरह होता था, रिकॉर्ड्स वगैरह रखे जाते थे। तो हमने एक कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे, उनसे हमें ये पता चला कि जो ओड ऑफ द एंशिएंट्स है ना, ये वही है, वो जो कंपस है ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स ऐसे है। मैं तुम्हें बताऊं, एक तो उनका मेन बंदा है जो सबका हेड है, जो पूरे ऑर्डर को कंट्रोल करता है, उसने अपने नीचे चार बंदे रखे हुए हैं, उन चार में से एक है कंपस, और कंपस के राइट और लेफ्ट हैंड है एरो और जो दूसरा है लीच।
तो भाई जब हम यहाँ पे आए थे तो जो एरिक है वो स्टोव को कह रहा था कि भाई तुम अगर वहाँ लोगों की मदद करने नहीं जाते तो भाई हमारे राजा साहब बच गए होते अभी तक, गवर्नर मतलब। तो भाई तभी हम आ गए और हमने बताया वो सब इन्हें। तो भाई हमें स्टोव के बारे में तो कुछ खास पता नहीं लगा, लेकिन हमें एरिक और जो दूसरा बंदा है एरो उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता लगी है। हम उसके बारे में और अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे और पता लगाएंगे कि वो हमें कहाँ मिल सकते हैं जिससे कि हम उन्हें ठोक दें। जैसे ही हम उन्हें ठोक देंगे उसके भाई लेफ्ट राइट हैंड दोनों खत्म, उसका सपोर्ट सारा खत्म, तो वो भाई हमसे लड़ने आएगा ही आएगा, तो हम उसे पेल देंगे। ऐसा हमारा कुछ प्लान है, मस्त प्लान। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो भाई अभी हम आए थे एरिक के पास और भाई यहाँ पे ये पोर्ट है लंदन का एक मेन पोर्ट, तो भाई यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड वगैरह होता है। तो यहाँ पे भाई उन बंदों ने जब अटैक करा ना इनके गवर्नर के ऊपर जो लंदन का गवर्नर है, तो भाई वो यहाँ से गए थे वापस। तो भाई यहाँ पे जितने भी लोग थे ना, जितने भी पास बाय थे, जो भी लोग यहाँ टहल वहल रहे थे, उन्हें भाई उन्होंने ठोक दिया और भाई उनके साथ मतलब काफ़ी बुरा बर्ताव करा, आंखों निकाल दी उनकी। तो भाई ये सारा का सारा काम जो था लीच का था। और भाई जब हम एल्फ के पास आए हमने पूछा कि भाई ये किसने करा है, तो उसने कहा कि लीच का काम है, उसी की ऐसी हरकत हो सके। तो भाई हमने उसके बारे में सोचे थे कहाँ से उसके बारे में पता लगाएं, तभी हमें यहाँ की ड्यूक मिली। ड्यूक भाई यहाँ पे एक तरह का ये मान लो प्रधान की तरह हो गया थोड़ा बहुत, कुछ इस तरह से मान लो, मतलब एक हाईर ऑफिशियल होती है। तो भाई हमें वो मिली ड्यूक, और उसने बताया हमें कि जो उसकी लौंडिया है वो मतलब ठीक है नहीं, हमसे पूछने आई थी। तो भाई हमने पूछा कि क्यों क्या हुआ क्या से बात है, तो उसने बताया कि वो किसी ब्लैक स्मिथ के लिए काम करती है। ब्लैक स्मिथ मतलब वो बंदा जो हथियार हथियार बनाता है उन्हें मॉडिफाई करता है। तो उसने कहा कि वो बंदा उसे रोज मतलब रात को भेजता था और लंदन ब्रिज के नीचे भेजता था डील करने के लिए, और वो किसी तरह से ब्लैक स्मिथ जो है वो लीच से कनेक्टेड है। तो हमने सोचा कि सबसे पहले लंदन ब्रिज के नीचे जाते हैं, पता लगाते हैं कौन बंदा है वो जो डील करने के लिए आता है उस ब्लैक स्मिथ के नाम पर, और फिर क्या कहते हैं उस ब्लैक स्मिथ तक पहुँच के लीच का पता लगाएंगे। तो हमें शुरुआत करनी है भी लंदन ब्रिज से, लेकिन भाई वो रात को जाता है, तो अभी क्या कहते हैं रात होने में टाइम है, इसलिए हम लंदन ब्रिज के चेंज जाने वाले। हम पता लगाएंगे थोड़ी बहुत बातें एरो के बारे में चाहे में बैठ बूट के इधर इधर लोगों से बातें करके जब पता लगाएंगे। तो भाई अभी हम एरो के बारे में पता लगा ही रहे थे, और भाई तभी हम आके मिले स्टोव से। स्टोव ने थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन निकाली एरो के बारे में, उसने बताया कि एरो कोई सीक्रेट आर्ची कॉमन टेस्ट कराने वाला है अपने लिए, नए योद्धा वगैरह रिक्रूट कर रहा है उसके लिए। तो भाई हमें क्या करना है, उसके अंदर किसी एक सीक्रेट कॉइन से एंट्री है, तो हमें क्या करना है उस कॉइन को ढूंढना है, पता लगाना है कहाँ है, उसे किसी से मतलब हासिल करना है, उस कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना है, एरो को पेल देना है। तो भाई अभी हमारी उससे बात हुई है जो यहाँ पे आर्ची का कॉन्टेस्ट रखवा दिया, और भाई यार यहाँ पे थोड़ी सी टेंशन होगी। यहाँ पे मैंने सोचा कि जो मतलब एक ही टारगेट है उसे ही मारना है ढंग से, लेकिन यहाँ पे कई सारे टारगेट मारे थे तो मैं एक भी बार बार मारेगा, तो इसलिए हम इसमें से डिस्क्वालीफाई हो गए। एक वो बंदे से था हमारा कॉम्पिटिशन, वो उसने सारे टारगेट मार दिए, उसे पता था, मुझे पता नहीं था कि सारे मतलब कई सारे टारगेट हैं उन्हें मारना है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी ये किसी रैली में जा रहे हैं तो हम इनका पीछा करेंगे, ये पहुंचने वाले हैं एरो के पास। तो भाई ढूंढते हैं कहाँ है एरो। तो भाई हम पहुंच गए उस इलाके में जहाँ पे एरो है, और यार सामने हमारे बिल्कुल एरो, भाषण देर लग रहा तो इसके मारे में पट से हेडशॉट। हो भाई यार ये तो एक मिनट टपक लिया, मैं सोचा बताना कितना तगड़ा होगा, नाम है एरो तो भैया इसका हर एरो पे कंट्रोल वंट्रोल होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एक एरो में ही इसके बत्ती बन गई। और यार मैं इसी किल कंफर्म करना चाह रहा था, लेकिन इसके छः चैप्टर करने ही देने के, कोई नहीं इन्हें पेल के जब करेंगे आराम से। तो भाई हमने एरो की किल कंफर्म कर दी, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इसके छः चैप्टर नहीं थे खत्म से, उन्हें पेल पाल के हमने लगा दी से ठिकाने। और भाई यार हमारी जैसे हर बार विजन जाते हैं ऐसे इस बार भी गए थे, और ये जहाँ तक कोई आर्चरी मास्टर था, क्योंकि अपने छः चैप्टर को ऐसे तीर भी चलाने का ऑर्डर दिया था कि भैया एम करो फायर करो ऐसे करके, और इसके छः चैप्टर उधर से तीर मारे जाए थे टारगेट पे, और दो थे मतलब इसके वजन विजन के अंदर, एक तो वो जो उन्हें ऑर्डर दिया जाता था उनसे तीर चलवाया जाता, एक वजन था इसका जो हमसे बात कर रहा था। तो जो इसका वजन थी चलवाया जा रहा था उसके लास्ट में सारे तीर आके लग जाते हैं, और भाई वो गिर जावे और उसके पास में वो मिल जावे इनका जो वो होता है मेडल सा, ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स की निशानी होती है। लेकिन इसका दूसरा वजन था जिसने हमारे से बात की थी, मैं उसका बताऊँ उसने क्या कहा हमारे से। भाई हम उससे कहे थे कि तू मतलब बहुत खराब आदमी है, तन्ने बेमतलब क्या राजा को मार दिया, गवर्नर राजा एक ही बात है, राजा के जैसे था यहाँ पे गवर्नर। और तो वो कहे कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, मतलब मैंने कुछ गलत नहीं कहा, अगर मेरी जगह तुम होते तुम भी यही करते, इसलिए मैं लोगों को कंट्रोल करके उन्हें एक रास्ता दिखाना चाहता था ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स का। ओडिन आ गए और उसके ती लग गए, वो चला गया गायब हो गया, हम अपने विजन से बाहर आ गए। तो भाई हमने आके इसे स्टोव को बताया है कि हमने काम कर दिया, एरो टपक चुका है, और इसने ये मतलब पूछा था हमारे से वैसे कि एरो वास्तव में था कौन, तो हमने बताया कि एरो एवगोस था,
भाई ये एवगोस का नाम सुन के एकदम से हैरान सा हो गया। हमने पूछा कोई क्या बात है, तो इसने कहा कि एवगोस जो है वो इसका कोई पुराना दोस्त है, और वो मतलब यहीं पे लंदन में काम करता था, और लेकिन वो क्या कहते हैं सब उससे काफ़ी ज़्यादा हेट करते थे, तो इसलिए वो इन्हें छोड़ के चला गया लंदन को और ऑर्डर से जाके मिल गया। शुरू में तो खैर विश्वास नहीं कर रहा था कि एवगोस भी हो सकता है, लेकिन भाई फिर इसे लगा कि हम झूठ बोल लेंगे, तो इसलिए इसने मान लिया। और भाई आज वाली वीडियो में बस इतना ही, अगली वाली वीडियो में ढूंढेंगे हम लीच को। मजा आया तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना, मिलेंगे अगली वीडियो में।